हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। अक्सर मैं आपके सामने नई नई जानकारी लाता रहता हूँ। वर्ग 3 पर जो भी आप छोटे छोटे क्वेश्चन पूछते हैं उन पर वीडियो जरूर बनाता हूँ। तो आज का क्वेश्चन ये है दोस्तों कि जब हम पढ़ाई करने बैठते हैं तो मन में बहुत सारे थॉट्स आते हैं। थॉट्स ये आते हैं कि हम यार मैथ पढ़ें क्योंकि मैथ हमारा उतना अच्छा नहीं है। फिर मन में थॉट आ रहा है कि नहीं यार, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का पोर्शन ज़्यादा आएगा तो पहले इसे रीड कर लेते हैं। फिर मन कहता है कि नहीं यार, पर्यावरण भी ज़्यादा बड़ा है तो इसे रीड करते हैं। तो हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि हम कौन से सब्जेक्ट को प्राथमिकता दें, किस सब्जेक्ट को पहले पढ़ें, और इसमें ही पूरा टाइम निकल जाता है। तो दोस्तों, आपको मैं एक उदाहरण दे दूं, उसके बाद इसका सलूशन ज़रूर मैं बताऊंगा। और इसका सलूशन एक ही है दोस्तों। कुछ मैं आपको हिंट दे दूं कि जो सब्जेक्ट में आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे कि बहुत से लोगों को मैथ में प्रॉब्लम्स आती हैं तो मैथ को उन्हें प्राथमिकता देनी ही है। बहुत से लोग फर्स्ट लैंग्वेज सेकेंड लैंग्वेज में अपने इंग्लिश ले ली है और इंग्लिश उनकी उतनी कम्फर्टेबल नहीं है वो, तो उन्हें उसमें प्रॉब्लम आती है। काफ़ी मेरे पास मैसेज आते हैं। बाल विकास शिक्षा शास्त्र है, यदि उसमें आप कंफर्टेबल नहीं है, अच्छी तैयारी, तो उसे प्राथमिकता दें। इन बातों को हम लेकर थोड़ा आगे बढ़ेंगे और एक उदाहरण से समझेंगे कि यदि हम इस समय कन्फ्यूजन में आ गए कि कौन सा सब्जेक्ट को प्राथमिकता दें तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। दोस्तों, एक जंगल में एक चीता था और एक बिल्ली थी। चीता और बिल्ली में बात चल रही थी आपस में, तो चीता ने कहा कि ये बताओ कि यदि शेर आ जाता है इस समय और तुम पर हमला करता है तो तुम अपने प्राण की रक्षा कैसे करोगे। तो बिल्ली ने कहा कि मेरे पास तो एक ही कला है, वो है पेड़ पर चढ़ने की। जैसे ही शेर आएगा मैं पेड़ पर चढ़ जाऊंगी। अब यही सवाल बिल्ली ने चीते से किया कि तुम क्या करोगे। तो चीता ने कहा कि मेरे पास ऑप्शनों की कमी नहीं है, मैं पेड़ पर चढ़ सकता हूँ, शेर से तेज दौड़ सकता हूँ, पानी में भी जाकर मैं अपनी जान बचा सकता हूँ। यानी कि मेरे पास इतने ऑप्शन हैं कि मैं बता नहीं सकता। तो बिल्ली ने कहा कि तुम्हारे पास तो वाकई में बहुत सारे ऑप्शन हैं, मेरे पास तो एक ही कला है पेड़ पर चढ़ने की, उसमें जान बच गई तो ठीक है, नहीं तो फिर दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। इतने में दोस्तों क्या हुआ कि शेर वाकई में आ गया और शेर की स्पीड बहुत हाई थी। बिल्ली को दिख गया कि शेर सामने आ रहा है, तो वो एकदम से पेड़ के ऊपर चढ़ गई और सबसे ऊपर पहुंच गई पेड़ पर। चीते ने भी देखा कि शेर शिकार करने के लिए आ रहा है। अब वो सोचने लगा कि कौन सा ऑप्शन अपनाऊं, क्या मैं पेड़ पर चढ़ूं अपने प्राण बचाने के लिए, क्या मैं शेर से भी तेज दौड़ूं क्योंकि ये तो मुझे पकड़ नहीं पाएगा, या फिर जो नदी है उसमें चला जाऊं कूद कर और कहीं ना कहीं दूसरे किनारे पर पहुंचकर अपने प्राण बचाऊं, कौन सा ऑप्शन अपनाऊं। शेर आता जा रहा था और चीता डिसाइड नहीं कर पा रहा था, कंफ्यूजन में था कि कौन सा ऑप्शन अपनाऊं, किस ऑप्शन को प्राथमिकता दूं। इतने में शेर पास में आ गया और उसका शिकार करके उसे खा गया। तो यहां पर आप ये समझे दोस्तों कि शेर कौन है, वो है जब आपकी एग्जाम डेट है। एग्जाम डेट जैसे जैसे पास आ रही है और आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हमें कौन से सब्जेक्ट को प्राथमिकता देनी है और कौन से सब्जेक्ट को कम पढ़ना है, क्योंकि प्राथमिकता हमेशा उस सब्जेक्ट को देनी चाहिए जो आपको सबसे ज्यादा कठिन लग रहा है, जिसमें प्रॉब्लम सबसे ज्यादा है, क्योंकि टाइम तो उसमें ही सबसे ज्यादा लगना है, तो उसकी प्रैक्टिस सबसे ज्यादा करनी है। और जो आपको लगता है कि जैसे हिंदी मीडियम अधिकतर मध्य प्रदेश में स्कूल चलते हैं, हिंदी अधिकतर लोगों की अच्छी होती है, यानी कि यदि दो ऑप्शन रखे जाएं चार लैंग्वेज में से तो अधिकांशतः लोग हिंदी को लेते ही लेते हैं, चाहे वो अलग से लैंग्वेज जो सेकंड लैंग्वेज है उसमें कोई भी ले लें, संस्कृत ले लें, इंग्लिश ले लें, उर्दू ले लें, लेकिन अधिकांशतः लोग हिंदी को पसंद करते हैं क्योंकि अधिकांशतः लोग जो हैं वो हिंदी मीडियम से जुड़े हुए हैं। तो ये आपका एक सरल सब्जेक्ट हो गया। लेकिन बहुत से लोग मैथ से एकदम से उन्हें प्रैक्टिस छूट जाती है। मैथ में ये नहीं कहूँगा कोई कठिन होता है, लेकिन मैथ मांगता है डेली प्रैक्टिस। अब कोई इंसान का मैथ कितना भी अच्छा हो, यदि वो प्रैक्टिस नहीं करेगा तो उसे भी दिक्कत आएगी। तो मैथ मांगता है प्रैक्टिस।
तो यदि मैथ में प्रॉब्लम्स है तो उसे आपको प्राथमिकता देनी चाहिए। कन्फ्यूजन में नहीं आना चाहिए कि हम कौन से सब्जेक्ट को पहले पढ़ें ना पढ़ें, क्योंकि वो चीते जैसी हालत हो जाएगी। एग्जाम डेट पास में आती जा रही है, हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं और पूरा समय उसी में चला जा रहा है, तो ये नहीं करना है। हमें सिर्फ एक ऑप्शन रखना है, एक सिस्टमेटिकली तरीके से आप अपने सब्जेक्ट को जमा लें कि वन नंबर पे ये है, इसमें हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, फिर सेकेंड नंबर पे ये है, इसमें हमें थोड़ी सी कम प्रॉब्लम है, फिर थर्ड नंबर पे ये सब्जेक्ट, फोर्थ नंबर पे ये सब्जेक्ट, ऐसे उन्हें जमा लें। और उसके बाद फिर जितने भी आवर्स आप पढ़ रहे हैं, 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे, उस हिसाब से डिसाइड कर लें कि कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। कन्फ्यूजन में बिल्कुल भी नहीं आना है। ऑप्शन ज़्यादा अपने पास न रखें कि हमें ये टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है, सभी को पढ़ना है और जिनमें ज़्यादा प्रॉब्लम है उन्हें ज़्यादा टाइम देना है, तो 100% आपके नंबर अच्छे आएंगे ही आएंगे। और जो मेरा वीडियो देख रहा है, मैं तो यही शुभकामनाएँ दूंगा उसको कि आप इतनी अच्छे से तैयारी करें कि एक सीट आपको 100% मिले और मिलकर ही रहेगी। तो ये वीडियो ऐसा ही था, आपने इसे देखने के लिए इतना समय निकाला उसके लिए दिल से धन्यवाद।